देखें, जैसे इस गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, आपकी गाड़ी में अगर इस तरह का फॉल्ट हो, आप ट्रेस करें, चेक करें। बाज़ दफ़ा आप ऐसे मैकेनिक भी होते हैं, हर सब मैकेनिकों की मैं बात नहीं कर रहा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नसरबाज होते हैं, जो नसरबाजी करते हैं कि वो उसको जो ओनर होता है, जो मालिक होता है उसको गाड़ी को, कस्टमर होता है उसको कहेंगे कि जी आपकी गाड़ी का कंप्यूटर जल गया है, आपकी गाड़ी का कंप्यूटर चेंज कर देंगे, वो उनको कंप्यूटर लेने के लिए भेजेंगे और उसके जो फॉल्ट था उसको यहाँ से वो क्लियर कर देंगे, उनका कंप्यूटर भी वो चेंज कर देंगे, आपका अच्छा खासा नुकसान कर देंगे। इसलिए वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी के साथ हो जाए। बाद लोग ये कहते हैं कि बैटरी की तार उल्टी लगाने से गाड़ी में क्या होता है, कंप्यूटर उड़ जाता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हर गाड़ी के साथ होते हैं। वैसे भी जापानी गाड़ियों में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, ऐसे फ्यूज़ मौजूद होते हैं, ऐसे उसको महफूज करने के लिए लगाए गए होते हैं कनेक्शन, ताकि वो जले ना, क्योंकि वो महंगी चीज़ होती है। तो इस वजह से ये वीडियो बनाई आपके साथ शेयर करने के लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो आप भी हेल्प करें, ज़रा ज़रा शेयर करें ताकि लोग इस तरह की नसरबाजी से बच सकें और बड़े नुकसान से भी बच सकें। तो वीडियो को शेयर दूसरों के साथ लाजमी करें, चले जिनको ये प्रॉब्लम आए तो वो ख़ुद भी हल कर सकें, क्योंकि हर जगह भाई मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नसार खान, आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी। अच्छा नाज़रीन, ये गाड़ी है मेहरान जोरो, 18 मॉडल गाड़ी है। इन्होंने ये बैटरी, इसकी बैटरी डेड हो गई थी, इन्होंने बैटरी चेंज की और बैटरी की जो वायर है वो उल्टी लगा दी थी। उल्टी लगाने के इसकी ये वायरें हीट हुई हैं, अब ये बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं दिखा रही। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें मीटर में कोई लाइटें नहीं आ रही, यहाँ पर लाएँ, यहाँ पर ये देखें, मैं इसकी स्विच ऑन कर रहा हूँ, कोई मीटर लाइट नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं चल रही, कोई इसके इंडिकेटर, कोई चीज़ भी नहीं चल रही, यानी कि इसका करंट ही यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। ये फॉल्ट कहाँ पर है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करें। इसका जो मेन फ्यूज़ बॉक्स है नीचे, मैंने सारे चेक किए हैं, वो भी ठीक हैं, फ्यूज़ों का कोई मसला नहीं है, ठीक है, फ्यूज़ बॉक्स में मसला नहीं है। तो अभी आइए मसले के साथ शेयर करते हैं, मसले को चेक पर मसला मौजूद है। तो वीडियो को शेयर दूसरों के साथ लाजमी करें, चले जिनको ये प्रॉब्लम आए तो वो ख़ुद भी हल कर सकें, क्योंकि हर जगह भाई मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता। तो क्योंकि मैं अभी टेस्टर से चेक करूँगा तो आपको टेस्टर नहीं होगा आपके पास, या टेस्टर अगर मौजूद हुए तो चेक भी कर सकते, मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये बैटरी इसकी पूरी है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर इसका यानी कि करंट आ रहा है। अगर बैटरी बिल्कुल डेड भी हो तो स्विच ऑन होनी चाहिए थी। अभी इसमें मसला क्या, देखें ये वायर यहाँ पर जो बैटरी की लगी हुई है, देखें यहाँ पर मैं इसका सेल्फ लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पर सलफ में मीटर यानी कि टेस्टर जल रहा है। अब ये मसला कहाँ पर है ये देखते हैं इसको। एक ये एक वायर ये जो वायर एक जा रही है सलफ के ऊपर जा रही है, एक वायर यहाँ से ये भी जा रही है। अभी देखें मैं यहाँ पर इसको ये सुई की मदद से यहाँ पर ये लगाऊंगा और मैं चेक करूँगा कि टेस्टर यहाँ पर जल रहा है या नहीं जल रहा। ये देखें इस वायर ये नज़र आ रहा है आपको। अभी मैं इसको यहाँ से निकाल के भी देखता हूँ, ये मैंने निकाल दिया, ये देखें अभी ये वायर यहीं से गुजर के जा रही है, ये देखें यहाँ से, लेकिन इसमें ये देखें टेस्टर नहीं जल रहा। अब हमें करना क्या है, वीडियो शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, दोस्तों के साथ मेंशन करें, ताकि और अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो। ये देखें जी, ये देखें मैं यहाँ पर भी इसको टेस्टर नहीं जल रहा, यहाँ से मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें जी, ये रहा इसका फॉल्ट, उम्मीद है ये आपको फॉल्ट नहीं, ये देखें ये टूट गई। अब देखें मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो ये टेस्टर जल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उल्टी वायर लगाने की वजह से ये जो वायर थी ये कट गई। अभी इसको लगा के चेक करते हैं कि ये काम, ये देखें बीच में आधी है ही नहीं है, ये देखें जी, अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी मैं ये वायर उतार के, ठीक है, अभी देखें यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगा वायर को ऐसे, ये देखें ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी इसको मैं यहाँ पर थोड़ा टाइट कर देता हूँ, ठीक है, दूसरी वायर भी डाल सकते हैं अगर आपकी वायर ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर टेस्टर की मदद से, ये देखें यहाँ पर अभी इसका करंट आने लग गया। अब आ गया इसका आगे का कनेक्शन, अगर आपकी वायर यहाँ तक ख़राब हो गई है तो आप यहाँ पर इसका जॉइंट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर अगर ज़्यादा ख़राब हो गई है यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको, जैसे ही हमने इसको कनेक्शन दिया तो हमें इसकी आवाज़ आई, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया, इसको इस तरफ लगा दिया। अब हम इसको स्टार्ट, अच्छा ये देखें जी, अब मीटर में इसकी सारी लाइटें आ रही हैं, गाड़ी न्यूट्रल करते हैं और इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। अब एक